जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अमेरिका में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अमेरिकी झंडे के साथ लहराया बाबा साहेब का नीला झंडा। जय 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 इक्वेलिटी डे के रूप में मनाया गया 14 अप्रैल। ये ऐतिहासिक तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य से आई हैं। जिस तरह से भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, उसी तरह दुनिया भर में महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भी बेहद शानदार ढंग से अंबेडकर जयंती को मनाया गया। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के बैनर तले जर्सी सिटी के सिटी हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अंबेडकरवादी और समानता में यकीन रखने वाले लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जर्सी सिटी काउंसिल की पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला प्रेसिडेंट जोएस ई वॉटरमैन ने लोगों को संबोधित करते हुए समानता के लिए चल रहे संघर्ष के महत्व को समझाया। उन्होंने AIM की टीम के सामने एक रेजोल्यूशन भी रखा, जिसमें 14 अप्रैल को जर्सी सिटी में समानता दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान भी शामिल है। इस कार्यक्रम में मशहूर स्कॉलर और कास्ट मैटर्स जैसी प्रसिद्ध किताब के लेखक डॉक्टर सूरज येंगड़े भी शामिल हुए। डॉक्टर सूरज येंगड़े ने लोगों को संबोधित किया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की अहमियत के बारे में समझाया। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की तरफ से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर फिलिप मार्टिन, सीनियर सोशल वर्कर शिवदास महासड़े और स्कॉलर डॉक्टर सूरज येंगड़े को इक्वेलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। खास बात यह भी है कि जर्सी सिटी में 11 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के नीले झंडे यानी इक्वेलिटी फ्लैग को अमेरिकी झंडे के साथ ही फहराया गया। जर्सी सिटी की सरकारी बिल्डिंग पर शान से नीला झंडा लहराता देखकर हर अंबेडकरवादी का सीना चौड़ा हो जाएगा। जिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मनुवादियों ने भारत में परेशान किया, उन्हें चंद जातियों का नेता साबित करने की साजिश की गई, आज उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में 14 अप्रैल यानी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को इक्वेलिटी डे के रूप में घोषित किया जा रहा है और जिस तरह से विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जादू पूरी दुनिया पर चढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को पूरी दुनिया में बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर अमेरिका में बसे उन तमाम अंबेडकरवादियों की भी तारीफ की जानी चाहिए जो तमाम तरह के ऐशो आराम मिलने के बाद भी मिशन पे बैक टू सोसाइटी को नहीं भूले और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। द न्यूज़ वीक की सफल आयोजन के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की पूरी टीम को बधाई देता है। आप इस आयोजन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।